कहाँ गया वो विक्रम? विक्रम कितने बुरे फ्रेंड हो तुम, यहाँ पे आराम से ठंडाई पी रहे हो और वहाँ पे बेचारे राम और प्रिया की सुलह भी नहीं हुई है। हमारा कोई एजेंडा था ना यहाँ आने का, हम होली खेलने आए हैं उनकी सुलह कराने। एक मिनट, सुलह से बहुत ज्यादा हो गया राम और प्रिया के बीच। क्या मतलब? मतलब जब हम दोनों बहुत लड़ते हैं तो हमारे झगड़े कैसे सॉल्व होते हैं? हम तो हमेशा exactly. No. आज के बाद राम और प्रिया को तुम्हारी और मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी की तरह अपने झगड़े सॉल्व करना सीख गए, आगे बढ़ गए। बिल्कुल। हैप्पी होली। यू अब खेलूंगी मैं होली। अरे होली बेबी। अरे सिद्धांत मेरी बात सुन। अरे कोई बात नहीं अंकल, आइए प्लीज। सिद्धांत हम लोग चले जाएंगे बेटा। अरे घर पे इतनी सारी गाड़ी पड़ी, कोई बात नहीं। सिद्धांत सिद्धांत बेटा क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा, हम लोग टैक्सी करके चले जाएंगे ना। वैसे भी सिद्धांत तुमने हमारे लिए आज बहुत कुछ किया है बेटा, तुम्हारी वजह से आशा अपने आप को संभाल पाई है। तुम उसे उस माहौल से उन यादों से खींच कर बाहर लाए हो, हमारे लिए यही बहुत है बेटे। चला बेवजह ऑकवर्ड फील कर, आज अगर मैंने कुछ किया तो इससे कौन सी बड़ी बात, अब हम फैमिली है, ये मेरा फर्ज बनता है, तो प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। सिद्धांत तुम बहुत अच्छे हो बेटा, वरना आजकल कौन किसके लिए इतना कुछ करता है हा? सुधीर हा? ये कार्तिक कहाँ रह गया? कार्तिक यही था, अभी मैंने उसे देखा था। हाँ वो यही है, वो नताशा को लेने के लिए गया। बहुत होली खेली, अब चलते। बहुत बहुत कहा, अभी तो शुरुआत हुई है कार्तिक, अभी थोड़ी देर और एंजॉय कर लेते हैं। माँ पापा और आयशा ऑलरेडी घर जाने के लिए निकल चुके हैं, तो अब हमें भी घर चलना चाहिए। एक ही बात तो मुझसे कितनी बार बुलवाओगे कार्तिक, मैंने कहा ना मैं इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, वो हमारा अपना घर है, वहाँ के लोग हमारे अपने और हमें उन्हीं के साथ रहना है ना, तो प्लीज समझदारी से काम लो। यही समझदारी की बातें तुम अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? नच जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं नच मेरी खाते नहीं तो प्लीज माँ पापा की खाते घर चलो। उनकी बात तो तुम कर रहे हो, वैसे भी वो आयशा की तरफदारी करने वाले, तो मैं इस घर में क्यों जाऊँ उनकी ताने सुनने? सॉरी मुझसे नहीं हुआ। नच प्लीज। कार्तिक प्लीज, तुम अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे फोर्स मत करो, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। नथ भैया, मेरी लाइफ में पता नहीं कितनी बार होली आई और आकर ऐसे ही चली गई, मगर इस बार की होली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्पेशल। देखो ना हर तरफ कैसे रंग ही रंग बिखरा हुआ, लेकिन राम और प्रिया के रिश्ते का रंग तो उड़ता ही जा रहा है। ओ स्वीटी वो देख, और इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ सिड और नट्स हैं। ओ स्वीटी वो देख, उन्होंने एक ही तीर से पता नहीं कितने सारे निशाने साधे हैं। ओ स्वीटी वो देख वो। भैया क्या कर रहे हो, क्यों मेरी बात को बार बार बीच में काट रहे हो? मैं इतनी खुश हूँ वो भी इतने दिनों के बाद, तो जाहिर तो करने दो ना मेरी बात ध्यान। ओ तू मेरी बात सुन, तू उधर देख उधर। क्या वो शर्मा फैमिली जा चुकी है, वो तेरी लाडली कल्ली खड़ी है, उम्र पर समझ रही है तू मेरा? नट्स बेबी, शिप्रा जी और तुम्हारी बाकी सारी फैमिली तो कब के यहाँ से निकल चुके हैं, तो तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो? वो जाते हैं तो जाए, मेरी अपनी फैमिली तो यही है। मतलब? मॉम कार्तिक की अपनी एक मिडिल क्लास सोच है, उसे अपनी इंसल्ट फील नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो अपने मम्मी पापा की गुलामी करने में खुश है, इसीलिए वो उनके साथ घर चला गया। लेकिन मेरे से ये सब नहीं, वो रहे अपने कबूतर खाने में, लेकिन मैं आज से अपने ही घर में। वो क्यों नहीं पुत्र, वो तेरा अपना घर है और जब तक तेरा जी चाहे तू रह सकती है यहाँ पे है?
और इस बहाने तेरी मॉम को भी कुछ दिन तेरे साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा, नहीं? कुछ दिन, we'll see. और मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है भैया, करने कुछ और जाती हूँ, वो कुछ और जाता है। यहाँ पर मैं राम और प्रिया के रिश्ते को तोड़ने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, टर्न नट्स आके सर पे बैठ गई है। खैर नट्स को अभी फिलहाल छोड़ो, अभी राम और प्रिया के रिश्ते को निपटाते हैं, ठीक है? राम जी, मां मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ इस वक्त बात करनी जरूरी है, कैन इट वेट? क्यों? उधर देखिए क्या हालत बना रखी है उसने, भांग पी ली उसने, बहुत नशे में है। अब माँ हम दोनों के बीच चाहे जो भी हो, लेकिन बात तो घर की है, चार दीवारों के अंदर ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सबके सामने मेरी बीवी का मजाक बने। क्या मैं उसे कमरे में ले जाके सुला सकता हूँ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट उसे जल्दी से ले जाओ एंड जस्ट काम हो जाओ। थैंक यू। राम तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे बेडरूम से बात तो बाहर निकल चुकी है। गुड। एक मिनट, उठो प्रिया, सॉरी, उठो उठो। लिसन टू मी, ये तौलिया लो और जाके नहा लो, ठंडे पानी के नीचे खड़ी रहोगी तो नशा कम हो जाएगा। गो। ये चारों तौलिये मेरे लिए? एक ही है यार। अच्छा अच्छा, ये लेकिन मिस्टर कपूर तौलिया एक है पर हाथ तो मेरे चार है, तो मैं किससे नल खोलूंगी, किससे साबुन पकड़ूंगी, किससे? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो जो हाथ मैं पकड़ रहा हूँ वो है तुम्हारा हाथ, ओके? सो कॉन्सेंट्रेट, इस हाथ से तौलिया पकड़ो, ये लो और जाके ना। लेकिन ये तो चार चार हाथ हो गए ना, ये एक दो तीन चार। ये मेरा हाथ है। ओके ओके सॉरी। हाँ गो, ठीक है ना लो। हाँ ओके बाय। अरे कहाँ जा, वॉशरूम उधर 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 उधर। अरे लेकिन मैं नहाऊंगी कैसे? नहाऊंगी कैसे मतलब? मतलब मेरे चार चार हाथ हैं और मैं सिर्फ एक हूँ। ओके ओके ओके, चलो चलो बैठो मत, प्लीज मेरी माँ प्लीज, चलो। I can't believe Ram and Priya. यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, आज राम एंड प्रिया के लिए इतना बड़ा दिन है तो हमारे लिए भी तो कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए ना। हाँ पर कैसे? वो ऐसे कि अभी राम और प्रिया एक दूसरे का रंग उतार रहे होंगे। हाँ तो क्यों ना हम भी जाकर एक दूसरे का रंग उतारें और एक दूसरे की मदद करें। I like that, naughty हुआ। तो मेरे के कौन नॉटी नहीं हुआ? एक मिनट। हेलो, हैप्पी होली। अभी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेट मी गेस, हैरी जिसकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, होली के दिन भी काम? क्या करूँ यार, बॉस है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जाना तो पड़ेगा। मैं बस यूं गया और कुछ ही देर में वापस भी आता। वैसे तुम्हें टाइम दिया है क्लीन अप करने के लिए कि ऐसे ही जाओगे भूत बन के? नहीं नहा धो के जाऊंगा, बस अपना जो रंग उतारने वाला आइडिया ना उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। तू वेस्ट मत करो टाइम, भागो। चलो सिस्टर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं?
नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहता, वो कौन खाएगा तेरी डांट यार। हाँ क्या है भैया, खाओ मत खाओ। स्वीटी बात ना कड़वी है पर सोचने लायक है। या फुटेज मत खाइए और सीधा मुद्दे पे आइए। ठीक है मुद्दा सुन ले तू। हाँ काम को एक घंटा हो गया अपने कमरे में गए हुए और बाहर नहीं निकल रहा। जब भी एक जमाना था वो तेरी एक आवाज पे दौड़ा चला आता और आज आज अभी तक वापस नहीं आया। आपको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही, वहाँ पे प्रिया भांग के नशे में धुत पड़ी है फुल टाइट, उसको सेट कर रहा है राम, आ जाएगा। राम प्रिया को सेट कर रहा है या अपनी सेटिंग कर रहा है? मतलब उस स्वीटी आर यू श्योर, कल रात को उनके बीच में झगड़ा ही हुआ था, कहीं कुछ और तो नहीं? पॉसिबल भैया, कैसी बातें करते हो आप। मैंने जितना देखा है और जितना समझा है उन दोनों के बीच में कल रात को 100% बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो बहन जी क्या होता है कई बार जो हम सोचते हैं समझते हैं और एक्चुअल में जो होता है उस हालात में बड़ा फर्क होता है। आप जरा शांति से सोचो, फ्लैशबैक में जाओ, क्योंकि सवेरे से जो भी प्रोग्राम हुआ वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। हाँ बेटा बैठ, कैसी है तू, पहले से बेहतर फील कर रही है? चलो अच्छा है, मैं मानती हूँ बेटा इसे बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तू कोशिश कर रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों सुधीर? हाँ बिल्कुल आयशा, मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ जो हुआ गलत हुआ और तेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था, लेकिन आज अब भी बहुत अपसेट है, यहाँ तक कि उसने तो घर आने से भी मना कर दिया। आयशा देख मुझे गलत मत समझना, लेकिन तेरा सबके सामने उसको थप्पड़ मारना ठीक नहीं था। इस तरह सबके सामने उसकी बेइज्जती करना। बेइज्जती? बेइज्जती मेरी हुई है भाई। आयशा लेकिन। लेकिन क्या? नहीं मतलब क्या है? आप अपनी वाइफ की गलती देख ही नहीं सकते या देखना ही नहीं चाहते? भाई शी इज गिल्टी, उसने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद वो मुझे फेस नहीं कर सकती, इसीलिए घर नहीं आना चाहती, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं है आयशा, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस बिना पर तू उस पे इल्जाम लगा रही है, तुझे कैसे पूरा यकीन है कि जो हुआ उसने करवाया? ओके तो अब आपको मुझसे सबूत चाहिए राइट? आपको अगर सबूत चाहिए होता तो नताशा से सबूत क्यों नहीं मांगते? जो वो कहती है उसके ऊपर आंख बंद करके यकीन क्यों करते रहते हो? हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए वो इतना नीचे नहीं गिरेगी। एग्जैक्टली, इतना नीचे तो कोई गिर ही नहीं सकता। तू क्या कह रही है? इससे एक शब्द आगे नहीं बोलेगा तू? हाँ हाँ मैं क्या हा? तेरे पास सफाई देने के लिए है क्या? क्या बोलेगा तू मुझे हा? एक तो तेरी बीवी की गलती, अरे गलती क्या, उसने तो गुनाह किया है। अरे तेरी सगी बहन की इज्जत उसने सरेआम उछाली है और तू उसे सपोर्ट कर रहे थे। कार्तिक तूने गलत लोगों का साथ देना कब से शुरू कर दिया है? यही संस्कार दिए थे हमने तुझे, अब तुझे तेरे माँ बाप से ज्यादा वो लड़की से ही लगने लग गई है। अरे साल भर नहीं हुआ है तेरी शादी को और तू जोरू का गुलाम बना जा रहा है। माँ भी क्या कह रही है? माँ क्या, चुप रहे। जब देखो तब नताशा की तरफदारी करने लग गया है, तभी वो हमारे सिर पे नाच रही है और उसका ये सब नतीजा है। फिर वही बात, माँ क्यों नहीं समझ रही कि आयशा का जितना नुकसान हुआ उतना नट्स का भी हुआ है? अगर ये शो आयशा का पहला शो था तो नट्स का भी कमबैक शो था ये, और ये बात हम सब जानते हैं कि नताशा ने अपनी पूरी रेपुटेशन को दांव पे लगाकर आयशा को ये चांस दिया था। हाँ तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान किया उसने मेरी बेटी पर? मेरी बेटी में तो पहले खूबसूरती और टैलेंट था ना, और अगर उसने उसे शो स्टॉपर नहीं बनाया होता तो कोई और बना देता। उसका शो स्टॉपर बनाने के पीछे क्या इंटेंशन था वो साफ नजर आ रहा है कार्तिक। आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? बस एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा। आप मुझे इस घर में शांति चाहिए, आई बात समझ में? पापा आपकी बात रखने के लिए हम चुप भी हो जाएंगे, लेकिन एक बात तय, जिस तरह से भाई नताशा का साथ दे रहे वो सही नहीं कर रहे, आगे जाकर इसे तो पछताना पड़ेगा पर इसके साथ हम सबको भी पछताना। आयशा तू गलत लिया, तूने क्या कहा उसने? बहन की हाय लगेगी, तू
पापा मैं क्या करूं, कहां जाऊं? एक तरफ मेरी बीवी और दूसरी तरफ मेरी बहन। किसी एक को सपोर्ट करता तो दूसरी बुरा मान जाती, अब कोई मुझे समझने को तैयार नहीं। पापा आप ही बताइए मैं क्या करूं। Priya, can you hear me? Ram, can you hear me? Coming. Mama, morning. Good morning. Ram, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। तुम फ्रेश हो जा, कपड़े चेंज करके नीचे आ जा, वहीं पे बात कर लेंगे। Are you sure? अभी बता दी। Sure, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रेश हो जा, कम डाउन। ओके। रिया उठो, हेलो, सुबह हो गई है, गेट अप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसे लग रहा था कोई दरवाजा खटखटा रहा है जोर जोर से। हाँ सही लग रहा था, माँ थी, वो चाहती है कि हम लोग चेंज करके नीचे जाएं, कुछ बात करना चाहती है। हाँ ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। मेरे कपड़े, तुम्हें कुछ याद नहीं है? इस हाथ से तौलिया पकड़ो, ये लो और जाके ना। नहीं याद है मुझे, आप कमरे में लेके आए थे मुझे। हाँ। उसके बाद आपने मुझे टॉवल दिया था और नहाने के लिए। हाँ, उसके बाद मैं खुद ही नहाई ना। क्या आपने एक मिनट, ओके, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ओके, मैं चाहता था कि तुम्हें टॉवल दे दूं, लेकिन तुम उसमें नहीं थी, यू कुड बेली स्टैंड, इसीलिए। तो सफाई क्यों दे, शिकायत थोड़ी कर। वेरी गुड। अरे पीती क्यों अगर हैंडल नहीं कर पाती? हाँ जानबूझ के थोड़ी पी है, मैंने पिलाई थी मुझे। अच्छा किसने पिलाई थी? किसने पिलाई थी? मैं पानी पीने के लिए गई थी तो वहाँ पे किसी ने तो आके कहा था मिस्टर कपूर कि ठंडाई पी लो अच्छी होती है। किसने कहा था याद नहीं आ रहा अभी, मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा, जाने दीजिए जो हो गया वो हो गया। वैसे जो हुआ अच्छा। क्या मतलब? मतलब कि नशे की हालत में तुम बहुत क्यूट लग रही थी। सच्ची? हाँ सच्ची। माँ ने कहा ना तैयार हो के नीचे आपके लिए चाहिए। हाँ बाबा पता नहीं क्या काम आ गया सुबह सुबह। कुछ जरूरी होगा ना, तभी तो आए ऐसे बुलाने। जाइए जाके आप पहले तैयार हो जाइए, फिर मैं तैयार होती हूँ। मम्मा अब नाच को आपको ही समझाना पड़ेगा, मेरी तो वो कोई बात नहीं मान रही है, इसलिए उसे कहिए कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपने ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं। मैं मानती हूँ मैं उसकी माँ हूँ, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन रीत रिवाज भी तो कोई चीज होती है ना, हम कैसे भूल सकते हैं।
आप उसे प्लीज समझाइए, वो वापस चले जाए। तू एकदम ठीक कह रही है स्वीटी। मम्मी जी, नताशा को अपने घर चला जाना चाहिए, तो खाम खा दोनों परिवारों के बीच में वो टेंशन बढ़ेगी। ओए खोतिया, ये बात तू मुझे क्यों कह रहा है? ये बात जाकर नताशा को समझा। हाँ जा फटाफट। जी ठीक है। हाँ माँ, आप बात करना चाह रही थी मेरे से? भाई दरअसल मम्मा थोड़ी परेशान है, ना अभी तक अपने ससुराल नहीं गई है। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फैशन शो में जो हुआ उसकी वजह से शायद वो अभी तक थोड़ी सी डिस्टर्ब है, दो तीन दिन बाद चली जाएगी। राम बात एक दो दिन की नहीं है, नैच हमेशा के लिए इसी घर में रहना चाहती है। क्या? हाँ, उसने अपने ससुराल जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.